जरा सी आहट होती है। टाइम का पता ही नहीं चला ना, कैसे 1 साल पूरा हो गया हमारी शादी को। आई नो, मैं तो खुद रोज सुबह शाम अपनी किस्मत को थैंक्स बोलता हूँ। थैंक गॉड तुम मान गई। Happy anniversary, baby. I love you very much. I hate you. तुम्हें कुछ आवाज आई? नफरत करती हूँ मैं तुमसे। राज, कहीं ये तुम्हारा कोई मजाक तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। I hate you. मेरे ख्याल से आवाज वहाँ से आ रही है। मैं देख के आता हूँ। Love you. कुछ मिला? नहीं। नफरत करती हूँ मैं तुमसे। I hate you. सारा ये सारा कहाँ गई? सारा, चलो। कमाल है, कोई है ही नहीं इधर। हेलो, इज एनी वन हियर? कोई है? आई एम सॉरी, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? वेरी सॉरी, हमने आपको देखा ही नहीं। नो, दैट्स ओके। एक्चुअली हमें मिस्टर एंड मिसेस सिन्हा, हमारी आजाद की बुकिंग है आपके होटल में। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। एक्सक्यूज मी। पर इतनी रात गए, इतनी दूर तक आकर सिर्फ एक रात के लिए रुकेंगे हमारे होटल में? एक्चुअली कल हम सिंगापुर जा रहे हैं, यहाँ रुकने का तो हमारा प्लान ही नहीं था। तो हमारी फ्लाइट डिले हो गई, तो अब हम कल सुबह जाएंगे। वी आर ऑन आवर हनीमून। हनीमून? तो फिर हम आपको हमारे आम कमरे में कैसे रहने दे सकते हैं? आपको तो हमारे स्पेशल हनीमून स्वीट में रात बितानी चाहिए। नहीं, इट्स ओके, हम लोग कुछ ही टाइम के लिए और वैसे भी मैंने बुकिंग उसकी आप फिक्र मत कीजिए, ये हमारी तरफ से आप दोनों के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं, तो डोंट वरी सर। लगता है होटल का बाकी स्टाफ बिजी है, मैं खुद आपको कमरे तक ले चलती हूँ। बाय द वे ये कमरा 7वीं मंजिल पर है और शहर का सबसे खूबसूरत नज़ारा यहीं से दिखता है, आइए। Please come. Wow. Look, that portrait. Wow, Abhi, देखो chandelier. My God, see. This is so beautiful. ये वाला देखो, ये आपका कमरा। आशा करते आपको पसंद आएगा और हमारे साथ आप और वक्त बिताना चाहिए। थैंक यू सो मच। शायद इस बार तो नहीं रुक पाएंगे लेकिन हम अगली बार यहाँ जरूर आना चाहेंगे। थैंक्स। थैंक यू सो मच। This is awesome अभी, मतलब फ्री में रूम से हनीमून स्वीट में अपग्रेड कर दिया। अभी aren't you excited? Relax sweetheart, तुम आराम से पूरे स्वीट को निहारो, मैं नीचे रिसेप्शन पे बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी करके आता हूं। Oh yeah, oh my God, अलीशा को बताती हूँ, वो पागल ही हो जाएगी। हेलो अलीशा, वी जस्ट चेक्ड इन टू LTC ग्रैंड पैलेस और पता है हम जैसी रिसेप्शन पे पहुंचे ना और उन्हें पता चला कि हम लोग हनीमून पे हैं तो उन्होंने अपने आप हमें हनीमून स्वीट में अपग्रेड कर दिया और वो भी बिल्कुल फ्री में। यार अलीशा, ये कमरा नहीं है डूड, महल है महल। आई विल टेल यू समथिंग मोर, यहाँ इतना बड़ा और सुंदर शैंडेलियर है, तो सुंदर मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। फुल लेंथ पोस्टर्स हैं, बड़ी बड़ी पेंटिंग्स, एंटीक सा 4 पोस्टर बेड। आई लव दिस। वाओ दी, फोटो भेजो ना प्लीज। अच्छा नहीं, रहने दो, हनीमून पे हो आप तो जीजू के साथ एंजॉय करो। ओके दी। हाँ हाँ, ज्यादा स्मार्ट मत बन, कल सिंगापुर पहुंच के कॉल करूंगी तुझे। चल गुड नाइट। कौन है वहाँ? कौन है? कौन है यहाँ? क्या हो दिव्या, are you okay? मेरी माँ चाकू निकाल, अभी चाकू। यहाँ कोई चाकू नहीं है दिव्या, देखो। नहीं अभी I swear यहाँ पे कोई था, मैंने सुना। यहाँ कोई नहीं है इधर। मैंने सुना, कुछ नहीं किया कोई। एक मिनट, कोई भी तो नहीं है, देखो। कोई नहीं है। रिलैक्स, तुमने बहुत ट्रैवल कर लिया ना, इससे तुम थक गई। चलो आराम करो, ये तुम्हारा वहम है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, डोंट वरी ओके। हाँ बहुत ब्यूटीफुल है, अरे मस्त होटल, अभी भी चेक इन किया, कल सुबह निकल रहे हैं सिंगापुर। अरे तू भी आता ना, मज़ा अभी बहुत खुश या शी इज़ रियली इन्जॉय। अच्छा रियली, अच्छा हो जाएगा। मैं कब से आपसे कुछ पूछ रही हूँ और आप बहस कर रही हैं। मैम आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। एक्सक्यूज मी मैम, ये क्या बात? मैं इस होटल का मैनेजर हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कहिए। मेरे दीदी और जीजू यहीं पे आए थे, इसी होटल में, 4 दिन से वो लोग गायब है। मैं कब से इसे यही पूछ रही थी लेकिन ये कुछ बता ही नहीं रही है। तारा सर, इस नाम से कोई एंट्री नहीं हुई है। वो सिंगापुर जा रहे थे अपने हनीमून के लिए और उनकी फ्लाइट डिले हो गई, इसलिए उन्होंने इसी होटल में चेक इन किया था। मेरी दी ने मुझे कहा कि हेलो अलीशा, वी जस्ट चेक्ड इनटू LTC ग्रैंड पैलेस, और पता है हम जैसे ही रिसेप्शन पे पहुंचे ना और उन्हें पता चला कि हम लोग हनीमून पे हैं, तो उन्होंने अपने आप हमें हनीमून स्वीट में अपग्रेड कर दिया। आप प्लीज हनीमून स्वीट चेक कर सकते हैं? ओके लेट मी नो। मैम क्या नाम बताया आपने? मिस्टर एंड मिसेस सिन्हा। मैडम उन्होंने बुकिंग तो की थी लेकिन वो यहाँ पर नहीं आए, तो जो कस्टमर हमारे पास नहीं आते हैं उनका रजिस्टर में नाम नहीं हो। क्या पता उन्होंने लास्ट मिनट अपना प्लान ही चेंज कर दिया हो और किसी और होटल में चेक इन कर दिया होगा। यहाँ पे आसपास कोई और होटल्स है क्या? जी हाँ बहुत होटल। चलो हम वहाँ पे चलते हैं। अरे अलीशा देखो तो कितना लेट हो गया, 11 बज चुके हैं, कहीं और जाने के लिए बहुत लेट हो गया। एक काम करते हैं, आज रात यहीं पे रुक जाते हैं, पर सुबह चले जाएंगे। क्या आपके पास कोई डीलक्स रूम अवेलेबल है? नहीं नहीं, हनीमून स्वीट बुक कीजिए, मुझे वो देखना है। ओके विशाल, यस सर। मैम को 701 में ले जाओ। यस। प्लीज कम मैम, आप लोगों का रूम उस तरफ। यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट आते हैं। हाँ वीकेंड पे बहुत सारे लोग आते हैं। वो क्या है कि ये होटल शहर से दूर है लेकिन एयरपोर्ट के नजदीक, तो छुट्टियों में बहुत से लोग आ ही जाते हैं। आपका जो हनीमून स्वीट है, जी मैम, आपको अंदाजा होगा कि लास्ट वहाँ पे कौन आया था? 10 दिन पहले इस रूम की बुकिंग हुई थी, दिल्ली का एक कपल था। आपने इन दोनों को कहीं पे देखा है क्या? यहाँ पे आए थे? जी नहीं, ये यहाँ पर कभी नहीं। दैट इज योर। प्लीज। एक कमरा नहीं है, महल है, महल। आपके रूम की चाबी। यहाँ पे कोई दूसरा हनीमून सूट भी है क्या? आई एम सॉरी मैम, हमारे पास बस यही एक हनीमून सूट। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मैं नीचे रिसेप्शन पे हूँ, आप मुझे फोन कर सकती हैं। मेरा नाम विशाल है जी। गुड नाइट मैम। गुड नाइट मैम। ये वो हनीमून स्वीट नहीं है जिसके बारे में दी बता रही थी। पता कोई दूसरा हनीमून स्वीट भी हो। मनीषा क्या हुआ? मैंने कोई आवाज सुनी। कौन सी आवाज? क्या What are you talking about? पता नहीं, अंदर कोई आवाज आ रही है। Come on अलीशा, बंद कमरे में कौन आ सकता है? तुम परेशान हो, maybe that's why। No, मैंने वो आवाज सिर्फ एक बार नहीं, बार बार सुनी है। कोई अंदर जरूर है। Okay, calm down, relax। तुम जाके सो जाओ। I'll go check in, okay? Relax, it's okay। जगह बहुत ही अजीब है, हम यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकेंगे। चल कमरे नहीं नहीं वेट, हम ऐसे नहीं जा सकते। वेट, वहाँ पे कोई नहीं है। प्लीज सुनंदा मेरी बात सुनो। ठीक लेकिन सुरेंद्र यहाँ पे कुछ नहीं है, हम ऐसे नहीं जा सकते। मुझे कुछ नहीं सुनना है। क्या हो रहा है? कुछ नहीं। सीलिप नीचे रुकती भी नहीं है। मैंने कहा था ना तुमसे, जगह ही अजीब है। क्या करेंगे? अगर ये लिफ्ट नीचे आ सकती है तो शायद कोई स्टैकेज भी होगा जिससे हम ऊपर जा सकते हैं। चलो ढूंढते। कोई है? बहुत डर लग रहा है। ये क्या जगह है? चलो हम आगे देखते हैं, कोई रास्ता निकलेगा शायद। हम यहाँ कभी भी नहीं आएंगे। सुनंदा, मुझे लगता है वहाँ पे भूत है। इट्स हॉन्टेड। आई डोंट नो। क्या हुआ मैम, सब ठीक तो है ना? आप लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? नहीं वहाँ नीचे बेसमेंट में कुछ है। ऐसा बात करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं, हमें अभी निकलना पड़ेगा। मैम प्लीज रिलैक्स। देखिए आप लोगों को कहीं बाहर जाना है तो मैं कैब बुलवा देता हूँ, प्लीज रिलैक्स प्लीज। क्या आवाज? जब उसी ने किया, उसी ने इन लोगों को मारा, तब उसी का काम है। लेकिन ये दोनों है कौन? इन्हें पहले कभी होटल में नहीं देखा, तो ये ऊपर होटल में पहुंचे कैसे? मैं होटल के मालिक खन्ना जी को फोन करके बुलाता हूँ और सीसीटीवी फुटेज चेक करता हूँ कि ये लोग यहाँ पहुंचे कैसे। सुबह की रूम की चाबी, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। हम श्योर कोई तो राज है और इसी राज से हम दीदी तक पहुंच सकते हैं। मुझे पता लगाना ही होगा। अलीशा, मुझे देखना पड़ेगा। कहाँ जा रही हो तुम? ये सब देखने के बाद भी मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे जाना ही होगा। इन दोनों के जैसे दीदी और जीजू के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। आई हैव टू गो। नो सर, इन दोनों को यहाँ पे आते हुए किसी ने नहीं देखा। इन्होंने यहाँ पे चेक इन किया ही नहीं है सर। निशा भी 7th फ्लोर पे चली गई, पता नहीं किस हालत में होगी वो। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैम रिलैक्स, आप प्लीज फिक्र मत कीजिए, मैं अलीशा मैम को कुछ होने नहीं दूंगा। सर ये सीसीटीवी फुटेज है, ये दोनों यहाँ आए थे कि नहीं, रिकॉर्डिंग देख के आपको यकीन होगा। दिखाओ मुझे। यार अलीशा, ये कमरा नहीं है, महल है, महल। I'll tell you something more. यहाँ इतना बड़ा और सुंदर शैंडलियर है, तो सुंदर मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। वही शिवलिंग है, तेने बताया था। ये तो वही बेड है, तुम्हारे में दी ने बोला था। मैं यहाँ हूँ। मैं चाहती थी मेरा अपना परिवार हो, मेरे बच्चे हों, लेकिन अब मैं यहीं रहती हूँ। यहाँ हम भी अपना परिवार बनाना चाहते थे, लेकिन अब हम यहाँ हैं। यहाँ हम यहाँ हनीमून पर घूमने जा रहे थे, खुशियाँ ढूंढ रहे थे, अब हम यहाँ के हो गए हैं। दीदी, जीजू, ये लोग बात किससे कर रहे हैं और इन्हें चाबी किसने दी? सर ये निशा, ये मनीषा ही हो सकती। निशा? कौन मनीषा? आज से 40 साल पहले मनीषा अपने पति के साथ इसी होटल में हनीमून मनाने के लिए आई थी। बहुत खुश थी वो, बहुत सपने थे उसकी आंखों में। उसी रात उसकी सारी खुशियां, उसके सारे सपने, उसकी सारी उम्मीदें उससे छिन गई। होटल की उसी स्वीट में उसे यह पता लगा कि उसके पति की सारी हकीकत उसके सामने आ गई कि वो आदमी शादी तो क्या प्यार करने के काबिल भी नहीं था। एक दो नहीं, पूरे शहर में 20 अफेयर्स थे उसके। शादी का रिश्ता तो उसके लिए बस सिर्फ नाम के लिए था और उसे निभाने के लिए उसने कोई प्लान, कोई मूड नहीं बनाया था। मनीषा के रोने गिड़गिड़ाने पर उसने उसे शादी तोड़ने की धमकी दी। इस पर मनीषा पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसके बाद होटल के उसी स्वीट में मनीषा ने अपने हाथ की नस काट दी। तो उसके पति, उसका क्या हुआ? उसका क्या होना था, कुछ नहीं। पैसा इतना था कि उसने केस दबा दिया और बंद करा दिया। कभी किसी ने उस पर उंगली तक नहीं उठाई। इनफैक्ट यही करीबी रहता है, आज भी शहर में 7-8 डांस बार चलाता है। कुछ चीजें और कुछ लोग कभी नहीं बदलते। तो आपके कहने का ये मतलब है कि लोग जो भी मरे उनकी मौत का कारण मनीषा की आत्मा है? ऐसी मौतें और ऐसी लाशें इस होटल में पहली बार नहीं देखी। इसका मतलब ये है कि आप सबको जानते थे, फिर भी आपने सबको छुपाया हमसे। क्या बताता विशाल, एक आत्मा है जो जवान कपल्स का खून करती है। लेकिन ये सबको रोकने का कोई तो तरीका होगा। अलीशा, अलीशा वही कमरे में गई है, वही होटल, हनीमून स्वीट में। आप फिक्र मत कीजिए, हम अलीशा मैम को लेकर आएंगे। चलिए हमारे साथ। अलीशा मैम, अलीशा, अलीशा मैम, अलीशा, अलीशा मैम, अलीशा, नहीं प्लीज दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। दीदी चिल्ला रही हूँ, प्लीज दरवाजा खोलो। नफरत करती हूँ तुमसे, नफरत। नहीं, मेरे पास मैं नफरत करती हूँ तुमसे, नफरत। नहीं, नहीं प्लीज, प्लीज दूर जाओ, प्लीज यहाँ पे मत आना, प्लीज वापस जाओ, प्लीज। अलीशा, अलीशा मैम, अलीशा, अलीशा मैम। अलीशा मैम, अलीशा, अलीशा मैम, अलीशा मैम, अलीशा, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? क्या हुआ? नहीं, लगता है मैम को आराम की जरूरत है। मैम अब हमारे साथ चलिए प्लीज। चलिए। मैं उस हनीमून ट्रिप में गई थी, वहाँ पे जो दीदी ने बताया था बिल्कुल वैसे वहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं, वहाँ पे आत्माएं थी, वहाँ पे बहुत सारी आत्माएं थी, वो मेरे पास आ रही थी, वहाँ पे दीदी और जीजू भी थे, वो बिल्कुल वैसा ही था। अलीशा काम डाउन, देखो ये जगह रुकने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं, हम अभी यहाँ से निकलेंगे, तो पता भी नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है। नहीं मैं तुम्हें बता रही हूँ। अलीशा मैम प्लीज आप फ्रेश होकर आ जाइए, देन आई प्रॉमिस कि आप दोनों को मैं इस होटल के बाहर खुद छोड़कर आऊंगा। पीछे पड़ी हो, क्या बिगाड़ा है हम लोगों ने तुम्हारा? क्यों मैं मारना चाहती हो तुम? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? और मुझे भी मौत मिली, अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। मुझे प्यार करने की सजा मिली और अब हर वो इंसान ये सजा भुगतेगा तो अपना प्यार यहाँ जताएगा, और प्यार की सजा है मौत। पर हमने क्या किया है? तुम्हें तो किसी से प्यार नहीं है, तुम हमारे पीछे क्यों पड़ी हो? तुम्हें प्यार नहीं हुआ है, पर इसे तो हुआ है। इससे प्यार हुआ है, तुझसे हुआ है, और अब इसे सजा भुगतनी पड़ेगी अपनी जान देकर। प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ो मुझे, प्लीज इसे माफ कर दीजिए, प्लीज छोड़ दो मुझे। रुको, अब बस। तुमसे दोबारा मिलने की उम्मीद नहीं थी मुझे। मनीषा? हाँ मनीषा, ये वो बीवी जिसको हनीमून पर यहां लाकर यही का बना दिया तूने। तेरी जान लेने का जरा सा भी अफसोस नहीं हुआ था ना तुझे? तेरी जान लेकर अपना बदला पूरा करूंगी। नहीं नहीं मनीषा नहीं, बहुत तड़पाया तूने मुझे, अब तू पछताएगा। नहीं नहीं नहीं, तो दरवाजा खोलो। मनीषा, मनीषा आई एम सॉरी, मनीषा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मनीषा मुझे छोड़ दो। नहीं मनीषा, नहीं मनीषा तू क्या मैं तुम्हारा पति हूँ, तेरी बीवी थी मैं, तेरी वजह से मरी हूँ। ये मारा है मुझे तूने बच्चे का, अब तेरी बारी है, तेरी बारी है। तो मनीषा मुझे माफ कर दो, मुझे बंद कर, मैं तो इसकी यही सजा थी। यह किस्सा आज ये हमेशा के लिए खत्म हो गया। आज के बाद होटल के उस कमरे में कभी किसी की जान नहीं लेगा। वो क्या है ना, हमारी अभी अभी शादी हुई है और हम अपने ऑफिस से छुट्टियां ही नहीं ले पाए, इसलिए एक बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट हनीमून के लिए आया। हनीमून? तो फिर आम कमरा क्यों? मैं आपको हमारे होटल का सबसे खास कमरा देती हूँ, हमारा हनीमून स्वीट, रूम नंबर 701। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।